दिल्ली का माहौल आपने देखी है, राजस्थान के जयपुर में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची, वहां भी चुनावों को लेकर चाय पर चर्चा की है, देखिए। देश भर में लोकसभा चुनावों की चर्चा है, राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस की ओर से प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और भाजपा की ओर से मंजू शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है, पिछले दो बार से लगातार जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो जीतते आ रहे थे, अब उनकी टिकट बदली है और मंजू शर्मा को टिकट दी गई है। अब से पहले जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए थे तो भारी मतों से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर जीत दर्ज की थी उन्होंने, और करीबी अभी विधानसभा में भी जो बीजेपी का जो गढ़ राजधानी जयपुर को कहा जाता है, और ये बात साबित भी हुई क्योंकि अधिकतर सीटें बीजेपी ने जीती। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार क्या मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनावों में, क्या देख कर वोट देंगे, क्या पार्टी को देख के वोट देंगे या विकास के नाम पर वोट देंगे। वैसे क्या लगता है इस बार क्या देखेंगे वोट देने से पहले? वोट देने से पहले हम देखेंगे कि जयपुर में राजस्थान के अंदर पूरा जो विकास हुआ है वो प्रगति बहुत अच्छी है, और मोदी सरकार में जो विकास हुआ है वो कब कोई सी सरकार में नहीं हुआ, और इस बार भी मोदी सरकार आएगी और कम से कम 5 लाख वोटों से यहाँ की सीट जीती जाएगी। 5 लाख वोटों से जीतने की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है अंकल, क्या देख के वोट देंगे? कैंडिडेट को देख के वोट देंगे, विकास को वोट देंगे, क्या देंगे? नहीं, मैं देखूंगा विकास को देख के, जो मोदी जी ने अपनी छवि बढ़ाई है इंडिया की विदेशों तक हाथ में, वो आज तक किसी ने नहीं बढ़ाई, और जो विकास राजस्थान में और पूरे भारत के अंदर जो विकास देखने को मिला है वो आज तक किसी ने किसी प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये काम कर जाए, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मोदी जी को ही जिताना चाहिए। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा बीजेपी की बनेगी। आप क्या देख के वोट देंगे? विकासवाद। विकास को देख के वोट देंगे? कैंडिडेट देखेंगे? कैंडिडेट भी देखेंगे, विकासवाद भी देखेंगे, राष्ट्रवाद भी देखेंगे। राष्ट्रवाद देखेंगे। पिछले 10 सालों से भी यहाँ एमपी बीजेपी के हैं, कितना विकास हुआ? हर जगह विकास हुआ है। फिर जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। बीजेपी सबको एक साथ लेके चलती है, बीजेपी सबको एक साथ लेके चलती है और एक साथ ही सबको अपना समझती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी सरकार आनी चाहिए। अंकल आपको क्या लगता है, कई चुनाव आपने देखे अब तक, क्या लगता है क्या माहौल? माहौल तो बीजेपी आनी चाहिए, सब बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? काम करती है बीजेपी, काम कर रही है। यहाँ क्या लगता है जयपुर में कैसा माहौल है चुनाव? जयपुर में क्लियर निकल जाएगी मंजू शर्मा, मंजू शर्मा चुनाव जीत रही है। और भी कुछ लोग हैं भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या सोच के वोट करेंगे? बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? क्यों वोट देंगे? काम किया है बीजेपी ने, कितना विकास हुआ? खूब खूब अच्छा विकास हुआ है, कौन है जिन्हें अभी आज तक विकास नहीं किया? किसी ने विकास नहीं किया, बीजेपी ने विकास किया। अंकल विकास